सेट पर सबके सामने इस एक्टर को नूतन ने जड़ा था जो उड़दार तमाचा, वजह जानकर सभी रह गए थे सन। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहद ही खूबसूरत अदाकारा नूतन की आज डेथ एनिवर्सरी है। नूतन को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, वहीं उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। नूतन बॉलीवुड की पहली मिस इंडिया रह चुकी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा नूतन पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में रहती थी। इंडस्ट्री में नूतन और संजीव कुमार का किस्सा काफी फेमस है। आइए आज इस खास मौके पर जानते हैं उस किस्से के बारे में। नूतन एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता कुमार सेन सामर्थ डायरेक्टर थे, वहीं उनकी मां शोभना सामर्थ फिल्म एक्ट्रेस थीं। इसके अलावा उनकी बहन तनुजा भी सफल एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। इसके साथ ही नूतन का बेटा मोहनीश बहल भी बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर हैं। बता दें कि आज भी नूतन और संजीव कुमार का एक किस्सा इंडस्ट्री में काफी फेमस है। नूतन ने फिल्मों में सफलता पाने के बाद नेवी ऑफिसर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वह अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन बेटे मोहनीश बहल के होने के बाद वापस से उन्हें काफी शानदार रोल मिलने लगे। वहीं नूतन इन फिल्मों को मना नहीं कर पाई। 60 के दशक में उनकी और संजीव कुमार की जोड़ी का लोगों ने खूब पसंद किया था। उन दोनों की केमिस्ट्री को देखते हुए दोनों के बीच अफेयर की खबरें आने लगी। एक दिन जब नूतन सेट पर पहुंची तब उनकी नज़र एक पेपर पर पड़ी, तब वह गुस्से से लाल हो गई। घर जाने के बाद उनके पति रजनीश बहल इसे लेकर सवाल करने लगे। वहीं इस बात को लेकर नूतन और उनके पति के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। इसे देख नूतन काफी परेशान रहने लगी। एक दिन जब वो सेट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि संजीव कुमार प्रेस वालों से बात कर रहे थे। ऐसा देख नूतन को लगा कि ये सारी अफवाहें उन्होंने ही फैलाई है। फिर क्या था, नूतन ने आव देखा नाता और संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। ये नजारा देखने के बाद सेट पर मौजूद सभी लोग सन रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया था। बता दें कि इस बात का जिक्र 1972 में एक मैगजीन में भी किया गया है। नूतन ने 52 साल की उम्र में कैंसर की वजह से दम तोड़ दिया था।